नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। वो अदाकारा जिन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 64 साल एक्टिंग की दुनिया को दिए, वो सेलिब्रिटी जिसे सुपरस्टार की हर जनरेशन से लेकर आम व्यक्ति तक जानता है, वो व्यक्ति जो हमेशा इंसान के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती थी और जिसके जादुई व्यक्तित्व के चलते समूचा बॉलीवुड उन्हें प्यार से शमी आंटी कहकर बुलाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस राबड़ी की, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और काबिलियत के दम पर शमी आंटी के रूप में इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। दिल है कि मानता नहीं, कुली नंबर वन, हम साथ साथ हैं जैसी तमाम फिल्मों को सुपर हिट बनाने में इस एक्ट्रेस का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि अपनी निजी जिंदगी में शमी ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आइए आज हम आपको शमी आंटी की प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बता दें। साल 1931 में एक पारसी फैमिली में जन्मी शमी की बचपन से ही जिंदगी संघर्षों से भरी रही। जब एक्ट्रेस 3 साल की थी तभी ईश्वर ने शमी से उनके पिता को छीन दिया। इसके बाद उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी एक्ट्रेस की माँ के कंधों पर आ गई। एक पुजारी के परिवार की होने के चलते उनकी माँ सभी धार्मिक अवसरों पर लोगों के घर खाना बनाने जाती थी। साल 2013 में रेडिफ को दिए गए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था, जब हम बच्चे थे तो हम टाटा ब्लॉक्स में रहा करते थे। 6 कक्षा में मेरी बहन और मैं उस स्कूल में जाते थे जहाँ की फीस 11 रुपए थी। टाटा की कॉलोनी में एक लकड़ी के खिलौनों की फैक्ट्री भी थी और मैंने और मेरी बहन ने वहां पर नौकरी के लिए पूछा था। वो हमें नौकरी तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि अगर हम स्कूल के बाद वहां 2 से 3 घंटे काम करेंगे तो वो इसके बदले हमारी स्कूल की फीस भर देंगे। इसी इंटरव्यू में अपने बॉलीवुड में डेब्यू के बारे में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे फैमिली फ्रेंड चीनू मामा लेजेंडरी फिल्म मेकर महबूब साहब के साथ काम करते थे। वो एक्टर और प्रोड्यूसर शेख मुख्तार के साथ काफी फ्रेंडली थे, जो एक नई फिल्म बेगम पारा की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें सेकंड लीड के लिए एक एक्ट्रेस की जरूरत थी। मामा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे फिल्मों में काम करना है और मैंने इसके लिए हामी भर दी। मुझे अगले दिन स्टूडियो जाना था क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि मैं हिंदी बोल भी सकती हूँ या नहीं। शेख मुख्तार ने जब मुझसे पूछा कि क्या मुझे एक्टिंग आती है, मैंने उनसे कहा कि नहीं, लेकिन मैं इसमें काम करना चाहूंगी और मुझे एक्टिंग पसंद है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी हिंदी का क्या, तुम तो फारसी हो। मैंने इसका जवाब तुरंत देते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप पता लगाइए कि मैं हिंदी सही से बात कर रही हूँ या नहीं। उस दौरान शेख मुख्तार काफी शॉक हो गए थे। उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और मुझे नौकरी मिल गई। इसी फिल्म से एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर शमी आंटी रख लिया था। उस दौरान शमी की सैलरी करीब 500 रुपए हुआ करती थी। 18 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो साइन करने के दौरान शमी को शूटिंग डे ना होने के बावजूद भी हर रोज स्टूडियो जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। शमी की इस फिल्म के लिए दिन रात की गई मेहनत काम आई और अपनी पहली फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस के साथ फिल्म मलहाल में काम करने का मौका मिला। कहा जाता है कि इस फिल्म से ही शमी और नरगिस के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद सुनील दत्त और दिलीप कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी शमी की पर्सनालिटी से प्रभावित हुए और एक्ट्रेस की क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में शुमार हो गए। भले ही शमी ने अपने दोस्तों से पक्की यारी निभाई हो, लेकिन उनकी लव लाइफ ज्यादा दिनों तक पटरी पर नहीं दौड़ पाई। शमी ने एक्टर सुल्तान अहमद से 70 के दशक में शादी रचाई थी। हालांकि ये शादी कुछ समय तक ही टिक पाई और 7 सालों बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर दी। इस बारे में बात करते हुए एक बार शमी ने कहा था, मुझे लगातार काम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने 30 की उम्र में शादी की थी, लेकिन वो वर्क आउट नहीं हो पाई। मैंने सुल्तान अहमद से शादी की। जब मैंने उनसे शादी की तब वो कुछ नहीं थे। इसके बाद उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करने का काम शुरू किया। एक्ट्रेस ने बात को जारी रखते हुए आगे बताया था, मेरे इंडस्ट्री में काफी दोस्त थे और मेरी वजह से उनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी। सबने बिना किसी सवालों के उनके साथ काम किया क्योंकि वो मेरे पति थे। उनकी पहली फिल्म हीरा में दत्त साहब यानी सुनील दत्त हीरो थे और आशा पारेख हीरोइन थी। उनकी दूसरी फिल्म गंगा की सौगंध में अमिताभ बच्चन हीरो थे। मैंने जब उनसे शादी की तब सबको लगा कि मैं कभी अब काम नहीं करूंगी। मुझे कम काम मिलने लगा और मैंने भी गलती करते हुए शादी के बाद आए फिल्मों के ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। हम दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। मैंने उनके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के 7 साल गुजारे। एक्ट्रेस ने इसके बाद बताया था, हमने साथ में घर खरीदा, मेरे पति इसे मेरे नाम से खरीदना चाहते थे।
लेकिन मैंने कहा कि उनकी बहन कुछ नहीं कर रही है तो ये घर उसके नाम कर दो ताकि उसके पास कुछ सिक्योरिटी थे। मैं उस समय वर्किंग थी इसलिए मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। मेरे साथ मेरे हस्बैंड, उनके भाई, भाभी और उनका एक बच्चा रहता था। मेरे हस्बैंड के भाई की वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो मैंने उनके बच्चों की केयर की। मैंने उसका शिमला के एक स्कूल में एडमिशन कराया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो मेरे साथ रहा था जबकि उस दौरान मेरा अपने पति से तलाक हो चुका था। एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि एक दिन वो अचानक से घर चली गई। शमी ने कहा था, मेरे पास उस दौरान हाथ में पैसे भी नहीं थे, मैंने अपनी कार भी छोड़ दी। मेरा एक पुराना घर था जहां मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, मैं उसके बाद वहीं शिफ्ट हो गई। नरगिस काफी अपसेट थी, उसने मुझे लंबे लेक्चर भी इस बात को लेकर दिए। उसने मुझसे पूछा कि मैं अब पैसे कमाने के लिए क्या करूंगी। मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे सब रख लेने दो। घर छोड़ने के महज 8 दिन बाद मुझे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। अब सुल्तान अहमद जिंदा नहीं है तो मैं नहीं बताना चाहती कि मेरी शादी क्यों टूटी। मैं काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी और किसी की बकवास नहीं झेल सकती थी। उन्होंने कई आर्टिकल्स में हम दोनों के बीच हुई चीज़ों के बारे में बताया है लेकिन मैं शांत रही। जो लोग मुझे जानते थे उन्हें पता था कि मैं कैसी हूँ तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, शमी आंटी जब तक जिंदा रही तब तक लोगों को अपनी एक्टिंग के जरिए गुदगुदाती रही। उनकी आखिरी फिल्म बोमन ईरानी के साथ शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी थी। 89 साल की उम्र में 5 मार्च 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री में दिया गया अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।